हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मिसकंसेप्शन वाली सीरीज थी उसमें हम स्टार्ट करते हैं वीडियो पार्ट टू। वीडियो पार्ट टू में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम आज आपको क्लियर कर देंगे कि सेंट्रिपिटल और सेंट्रिफ्यूगल क्या होता है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं और लंबे टाइम तक परेशान रहते हैं क्योंकि उनको, और बहुत सारे इसमें टीचर भी बहुत सारा गलती करते हैं। और ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए कि पूरे फिजिक्स में क्वेश्चन बनता है इससे, सर्कुलर मोशन से। सर्कुलर मोशन में तो यूज होगा ही होगा, साथ साथ रोटेशन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टेटिक मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, पूरे जगह कहीं कहीं घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इट्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही एक बच्चे ने एक दिन मेरे व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर किया था कि सर देखिए ये सेंट्रिपिटल, और यूट्यूब का वीडियो था, बंदे ने शेयर किया। और मैं जब उसको खोल के देखा, क्योंकि वो एक अच्छा बच्चा था और वो IIT की तैयारी कर रहा था, और उसने देखा कि देखो सर ये कितना गलत यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है। तो जब मैं उस वीडियो को खोल के देखा तो मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं देखा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तक देखता तो मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाता, मुझे चक्कर आने लगे। मैं सोचा कि क्या कॉमेडी चल रहा है यार यूट्यूब पे, इतना ज़्यादा ब्लेंडर, इतनी हंसी आ रही थी मुझे कसम से, इतना ज़्यादा गलती पढ़ाया बंदे। और जब मैं कमेंट पढ़ा तो वो जो कमेंट थे कि उस बंदे ने साफ उसमें पढ़ाया है कि सेंट्रिपिटल और सेंट्रिफ्यूगल आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे को एक ही टाइम पे लगेंगे, और एक ये दोनों आपस में बराबर कर देता है माइनस साइन लगा के। तो ये मतलब ऐसे बहुत सारी गलतियां हैं। और जब मैं कमेंट पढ़ा तो बच्चे ने कमेंट किए थे यू आर द गॉड ऑफ द फिजिक्स। ठीक है, अब ये कॉमेडी नहीं है तो क्या है यार। ठीक है, आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, बड़का वाला, स्वीडन वाला जो नोबेल प्राइज है वो आपको मिलना चाहिए। तो देखो, कहने का मतलब ये है, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि गलती सभी से होती है, गलती मुझसे भी होती है, सभी से होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एक घंटे में 15 मिनट का कंटेंट पढ़ा रहे हो उसमें 20 मिस्टेक कर रहे हो, इसका मतलब ये भी तो नहीं होता है। और उसमें बच्चे को क्या पता है यार, बच्चे को क्या पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको तो कुछ पता नहीं, वो तो बेचारा भोला भाला इनोसेंट है, उसको तो जो आप बता दोगे वो तो मान लेगा। तो ये देखो, ये आप बात करते हैं हम सेंट्रिपिटल और सेंट्रिफ्यूगल को, अगर इतनी बड़ी गलती करोगे, सेंट्रिपिटल और सेंट्रिफ्यूगल को आपस में इक्वल कर दोगे, सेंट्रिपिटल इक्वल टू माइनस सेंट्रिफ्यूगल, अगर ऐसे कर दोगे आप, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेक्टर एक ही ऑब्जेक्ट पर लग, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, लगा दिया है बंदे ने, और वो आपस में इक्वल एंड अपोजिट है और कैंसिल कर दिए हैं। इतनी बड़ी गलती करोगे ना तो जो न्यूटन की आत्मा है जो स्वर्ग में बैठी है ना, वो चिल्लाते हुए धरती पे आ जाएगी। ठीक है, दोबारा न्यूटन आ जाएगा, बोलेगा अरे भाई तुम लोग रिलेटिविटी, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी करना कर लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मैं पढ़ाया था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनाया था मैं न्यूटन। तो चलो ये बातें हैं, और ये हम सेंट्रिपिटल और सेंट्रिफ्यूगल की बात है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होता है, ये जो होता है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, ये कोई फोर्स नहीं होता यार, ये हमेशा लगता है नॉन इनर्शियल फ्रेम से, नॉन इनर्शियल फ्रेम से। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, जिसके पास एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो, ये लगेगा इनर्शियल फ्रेम से, ये लगेगा इनर्शियल फ्रेम से। और मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूं कि ये दोनों एक साथ कभी नहीं लगेंगे, एक बॉडी पर एक साथ कभी नहीं लगेंगे, और जब कभी नहीं लगेंगे एक साथ तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। जब एक दूसरे को कैंसिल तभी करेंगे जब एक ऑब्जेक्ट पर एक ही टाइम में फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, तभी तो कैंसिल करेगा। तो ये कभी नहीं, एक साथ कभी नहीं लगेंगे और कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, इनका दोनों का मीनिंग अलग अलग है, एक नॉन इनर्शियल से लगाएंगे, एक इनर्शियल से लगाएंगे। अब सेंट्रिपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो क्या लिखा हूँ मैं यहाँ जो मैं अपने दिमाग से लिखा हूँ वो लिखा हूँ कि नेट रियल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस पार्टिकल पे नेट रियल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है सेंटर की तरफ लग रहा है,
वो सेंट्रिपिटल फोर्स है। और ये सब कहानी कहाँ से देख रहा है ऑब्जर्वर, नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहा है। तो सेंट्रिपिटल लगाएगा कौन, जो इनर्शियल फ्रेम में मजे ले रहा होगा। तो एक बार इसको थोड़ा सा मैं और इलोबरेट कर देता हूँ और इसको आपको मैं समझा देता हूँ। चलो अब यहाँ पे इसको, हाँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर चलो ये मून और इसका ये एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें भी बहुत सारे लोग इसको, हाँ नॉर्मल जो कॉमन मैन होते हैं वो, जैसे ये अर्थ है, ये मून है और इधर सन है। अगर ये मून ऐसे रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ, और ये अर्थ जो है वो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर इस मून पे सेंटर की तरफ सेंट्रिपिटल फोर्स लगा और बाहर की तरफ सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगा और एक दूसरे को कैंसिल कर दिए और हो गई कहानी खत्म, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अगर कोई ऑब्जर्वर अर्थ से इस मून को देख रहा है, तो अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम कंसिडर कर रहा हूँ मैं, एक अर्थ इनर्शियल फ्रेम है, तो इस मून पे सेंटर की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है, रियल में एक ही फोर्स लग रहा है, वो है, इसको मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूँ, तो रियल में एक ही फोर्स लग रहा है और वो है ग्रेविटेशन फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है जी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून, और इनके बीच का जो सेंट्रल डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का आर स्क्वायर। तो ये जो ग्रेविटेशन है मून और अर्थ के बीच जो ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, उस ग्रेविटी का जो वो ग्रेविटी वो एक रियल फोर्स है यार, और वही रियल फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाएगा। ये ऑब्जर्वर ये बोलेगा कि ये इसलिए सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसको सेंटर की तरफ एक रियल फोर्स लग रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स एफ सी, और जिसकी वैल्यू ग्रेविटेशन के इक्वल है, और जो इक्वल है एम वी स्क्वायर ओवर आर, और कुल मिला के जिसकी वैल्यू जी एम वन और एम टू ओवर आर स्क्वायर के इक्वल है। ये अब सेंट्रिपिटल आया क्यों यार, क्योंकि सर्कुलर मोशन में देखो सेंट्रिपिटल आया क्यों, उस चीज़ को हम एक बार समझ लेते हैं कहाँ से आता है। अगर एक पार्टिकल है, देखो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा और ये सब कहानी ऑब्जर्वर ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है, दिस इज द वेरी गुड ऑब्जर्वर। तो ये ऑब्जर्वर है और एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और मान लेते हैं मैं ये UCM है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक बच्चा इस सर्कुलर पाथ पे, एक बॉल इस सर्कुलर पाथ पे 40 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, हमेशा 40 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है इस सर्कल पे, ऐसे मोशन को मैं बोलता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये कहानी कोई ग्राउंड से देख रहा है और ये ग्राउंड पे ही हो रही होगी, तो अगर मैं इस पॉइंट पर अगर इसकी वेलोसिटी देखूं तो वेलोसिटी v1 इधर है, और इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी देखूं तो वेलोसिटी v2 इधर है। मजा आ गया क्या, इस यहाँ पे स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो इस पॉइंट ए और पॉइंट बी पे चेंज इन स्पीड कितना आया, चेंज इन स्पीड जीरो है, क्या चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो है, बिल्कुल नहीं। तो मैं ऐसे कभी नहीं लिख सकता कि वेलोसिटी v1 इक्वल टू v2, ऐसा कभी नहीं लिख सकता। यहाँ पे वेलोसिटी इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैं ये लिख सकता हूँ कि v1 मॉड इक्वल टू v2 मॉड, ये इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे कभी नहीं लिख सकता कि ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल है, क्योंकि इनके डायरेक्शन अलग है, तो अगर डायरेक्शन अलग है तो ऑब्वियसली वेक्टर अलग होगा यार। तो यहाँ पे अगर वेक्टर ये दोनों अलग है, तो इस चीज़ को देखो, अब यहाँ कॉमन सेंस ये कहता है कि देखो यहाँ पे v1 इज नॉट इक्वल टू v2 वेक्टर, बट यहाँ पर v1 मॉड स्पीड बराबर है, तो v1 मॉड इक्वल टू v2 ऐसे लिखा जा सकता है। पर क्या ऐसे लिखा जब देखो v1 इज ग्रेटर देन v2 या v2 इज ग्रेटर देन v1, क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या? अब देखो कॉमन सेंस जो जनरल बुद्धि ये कहती है, जो मोटी मोटी बुद्धि ये कहती है कि अगर स्पीड और अगर दो चीज़ आपस में बराबर नहीं, मेरे हाथ में एक छोटा एक 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 लड्डू है, दूसरे हाथ में दूसरा लड्डू है, तो अगर दोनों बराबर नहीं है तो एक लड्डू या तो छोटा होगा या तो लड्डू है तो बड़ा होगा या तो भाई यही होगा। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो या तो v1 ग्रेटर होगा या तो v2 ग्रेटर होगा, कॉमन सेंस ये कहता है, कॉमन बुद्धि ये कहती है। बट सच्चाई क्या है कि ना तो ये v1 ग्रेटर है v2 से, ना तो v2 वेक्टर ग्रेटर है v1 से, और ना ये है, और ये यहाँ पे सही है। अब आप जाके वेक्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करके मुझे कमेंट करना
कि यार अगर दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है तो आपस में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, आप कमेंट करना, रिसर्च करना, सोचना, पूछना। चलो हम बात करते हैं यहाँ वेलोसिटी चेंज होगी। ये तो बात क्लियर है कि ये वेलोसिटी इक्वल नहीं, तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी जब कभी भी फिजिक्स में आता है तो एक नया चीज़ पैदा कर देता है, एक नई चीज़ जनरेट कर देती है और वो है एक्सेलेरेशन। तो जब यूनिफॉर्म मोशन है तो ये जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऐसे तो चेंज होगी नहीं यार, वेलोसिटी ची ऐसे तो चेंज होगी नहीं ना। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कोई न कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी ये वेलोसिटी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में चेंज होगी ही होगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो फोर्स नहीं लग रहा है, या यूं कहें उल्टा, अगर जब फोर्स ही नहीं लग रहा है तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो जाएगी। बात आ रहा समझ में? तो यहाँ पर एक फोर्स आता है, जब इसको पूरी डेरिवेशन करते हैं निकालते हैं तो यहाँ पर एक सेंटर की तरह रियल फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी वजह से जो एक्सेलेरेशन होता है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो ये इसकी जो वैल्यू आती है कैलकुलेट की जब की गई तो एम बी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल होती है। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा एक ही फोर्स लगेगा, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर मान लो कभी कभी, जैसे मान लो ये एक सर्कुलर मोशन है, एक प्लेन सर्कुलर मोशन, एक प्लेनर मोशन है, हमेशा एक प्लेन में होगा। तो ये हमारा प्लेन है और इसमें एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब देखो, तो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये वाली जो चीज़ है, मान लो इस पर एक फोर्स लगा F1, इधर लगा सेंट्रीपिटल का कॉन्सेप्ट, इससे सभी क्वेश्चन हो जाएंगे आपको। और मान लेते हैं एक रियल फोर्स F2 अभी लगा, अभी सेंट्रीपिटल नहीं आया यार, सेंट्रीपिटल बाद में आएगा। चलो सेंट्रीपिटल एक यूं समझ लो कि ज़रूरत है, सेंट्रीपिटल एक सर्कुलर मोशन के लिए ज़रूरी चीज़ है भाई। अगर सर्कुलर मोशन होना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ही होगा यार, मैंडेटरी है। तो अगर ये इस पार्टिकल पे एक फोर्स लगा जो कि अल्फा डिग्री पे लग रहा, तो ये आ जाएगा F1 cos अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर जो आ जाएगा हो जाएगा F1 sin अल्फा, और ये जो F2, तो इसको तो भूल जाओ, ये F1 sin अल्फा कुछ और, इसका वेट वगैरह कुछ बैलेंस करता होगा अलग। बट हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल का। सेंट्रीपिटल में क्या बताया, नेट रियल फोर्स टुवार्ड द सेंटर, तो सेंटर की तरफ नेट रियल फोर्स, ये सेंटर की तरफ नेट रियल फोर्स क्या भाई, तो सेंटर की तरफ नेट रियल फोर्स जो है, नेट रिजल्टेंट सेंटर की तरफ, ये F2 माइनस F1 cos अल्फा के इक्वल होगा, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। Fc इज इक्वल टू F नेट, दैट इज एम बी स्क्वायर ओवर आर, एंड दैट इज मस्ट बी इक्वल टू F2 माइनस F1 cos अल्फा। और ये पूरी कहानी कहाँ से हो रही है, ये पूरी कहानी हो रही है इनर्शियल फ्रेम से। तो इन सेंट्रीपिटल आपको क्लियर हो गया होगा, एक पार्टिकल पे हज़ारों फोर्स लग रहे हैं सर्कुलर मोशन में, उस पार्टिकल पे जो रिजल्टेंट रेडियस सेंटर की तरफ, उस सर्कुलर प्लेन में सेंटर की तरफ जो रियल फोर्स लग रहा है नेट रिजल्टेंट, वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, या यूं कहें वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। आया बात समझ में? चलो देखो, सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरी है यार, बात समझ में आ रही? सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होना ज़रूरी है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। चलो अब बात करते हैं सेंट्रीप्यूगल का। सेंट्रीप्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीप्यूगल फोर्स बेसिकली देखो, सेंट्रीप्यूगल क्या होता है कि अब हम बात करेंगे, ग्राउंड से नहीं बात करेंगे, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से बात करेंगे, ऐसे फ्रेम से बात करेंगे जिसमें सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर ये मून है, अब अगर ये मून सर्कुलर मोशन ऐसे परफॉर्म कर रहा है इस टाइप से, अब अगर एक ऑब्जर्वर मून पे है, ठीक है, उसी फ्रेम में है और वो उस फ्रेम में है, तो वो क्या बोलेगा कि ये मून क्यों इक्विलिब्रियम में है? तो ये बोलेगा कि एक तो ग्रेविटेशन लग रहा है सेंटर, अर्थ जो लगा रही है, और ये अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या लगाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बंधा रहेगा तो वो सूडो फोर्स लगाएगा यार, वो सूडो फोर्स लगाएगा, वो सेंट्रीप्यूगल लगाएगा। सेंट्रीप्यूगल किधर लगाएगा? नॉन इनर्शियल में है तो सेंटर के अपोजिट एक फोर्स लगाएगा, और सेंट्रीप्यूगल फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू मास ऑफ द बॉडी एम बी स्क्वायर और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ के इक्वल होगा।
तो यहाँ पर कौन किसको कैंसिल किया, ग्रेविटेशन ने कैंसिल किया, ग्रेविटेशन ने कैंसिल किया किसको, सेंट्रीफ्यूगल को कैंसिल किया, दैट्स वाई द ऑब्जेक्ट इज एन इक्विलिब्रियम यहाँ पे। तो मैं ये नहीं, ये अब सेंट्रीपिटल रहा ही नहीं यार, नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले गए तो सेंट्रीपिटल रहा ही नहीं, अब सेंट्रीफ्यूगल इधर लगाएगा और ये ग्रेविटेशन ने, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल कैंसिल कर दिया, वो एक ब्लेंडर है, मिस्टेक्स है, ठीक है। चलो यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे ये अब मुझे इसमें अगर सर्कुलर मोशन लगाना हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना हो, तो है तो उसकी वैल्यू सेंट्रीपिटल के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगी और डायरेक्शन सेंटर के अवे होगी, दूर होगी, पर वो लगेगा कहाँ से, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगेगा। तो यहाँ से देखो एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, अगर मैं ग्राउंड से अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर मैं फोर्स देखूंगा, तो ग्राउंड से लगाऊंगा तो मैं सेंट्रीपिटल लगाऊंगा जो कि सेंटर की तरफ जाएगा, और इसी झूले में किसी ऑब्जर्वर पर लगाऊंगा तो मैं सेंट्रीपिटल नहीं लगाऊंगा, मैं सेंट्रीप्यूगल लगाऊंगा। और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आप सेंट्रीपिटल और सेंट्रीप्यूगल दोनों से कर सकते हो, बट कभी कभी सूडो से करना बेहतर होता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीप्यूगल क्या होता है। सेंट्रीप्यूगल देखो, अब यहाँ से अगर एक बार और समझा देता हूँ, देखो ये एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक स्ट्रिंग ले लिया मैं, ये स्ट्रिंग ले लिया और सेंटर हो, और स्ट्रिंग से एक पार्टिकल एम मास के पार्टिकल को मैं ऐसे घुमा दिया, रोटेट करा दिया। अब मैं इसको अगर ग्राउंड से अगर मैं इसको दो देखो ग्राउंड अगर मैं सेंट्रीपिटल से इस क्वेश्चन को अगर मैं सेंट्रीपिटल से करूं, तो अगर मैं इसको ग्राउंड के फ्रेम से देखूं, ग्राउंड से देखूंगा फर्स्ट में था सेंट्रीपिटल लगाऊंगा, तो मैं बोलूंगा चलो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड वी से सर्कल पे एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ स्टोन ऐसे मूव कर रहा है। तो अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा प्यारे बच्चों, तो मैं बोलूंगा यार इस पार्टिकल पे हॉरिजेंटल है, ऐसे हॉरिजेंटल है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऐसे परफॉर्म कर रहा है, यूं घुमा रहा हूं, तो सेंटर की तरफ तो एक ही फोर्स लग रहा है, इस स्ट्रिंग में टेंशन टी, तो यही जो टेंशन टी है वही सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर यहां मैं सेंट्रीपिटल की इक्वेशन लिखूं, तो मैं लिखूंगा एम बी स्क्वायर ओवर आर दैट इज इक्वल टू टेंशन टी, ये या यूं कहूं कि जो टेंशन टी है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, या सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टेंशन टी ही है। तो ये वाली चीज अगर इसी क्वेश्चन को मैं देखो और इसी क्वेश्चन को मैं इस पार्टिकल के फ्रेम से देखूं, इस पार्टिकल पे ही चढ़ जाऊं, इस पार्टिकल पे ही बहुत उसी से ऑब्जर्व करूं, तो मैं बोलूंगा कि इस पार्टिकल पे टेंशन तो लग रहा है सेंटर की तरफ, वो तो रियल फोर्स है, लेकिन एक सूडो फोर्स लगाऊंगा जिसको बोलूंगा मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड एम बी स्क्वायर ओवर आर, और डायरेक्शन इस सेंट्रीपिटल के अपोजिट होगी, सेंट्रीपिटल लग नहीं रहा है अब, लेकिन जो सेंट्रीपिटल इधर था उसके अपोजिट होगी, मतलब टेंशन के अपोजिट होगी। तो अब यहाँ से क्या इक्वेशन बना, नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखोगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम से, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल। तो यहाँ से मैं बात वही आएगी, दोनों से प्रॉब्लम सेम होगा, लेकिन अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि यही ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड से देख रहा था, तो वो एक साथ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीप्यूगल कैसे लगा सकता है यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर है और एक ही ऑब्जर्वर वहाँ पर, एक पोजीशन, क्लासिकल फिजिक्स में तो ऐसा नहीं है ना कि एक आदमी दो पोजीशन पे हो, यहाँ से हो, वहाँ यहाँ से हो, और एक साथ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीप्यूगल लगा दो, तो ये एक साथ कभी नहीं लगेंगे, एक टाइम में एक ही लगेगा और एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं करेंगे, और क्वेश्चन दबा के इससे आता है, अच्छे से करना इसको।